आफ्टर सेलिब्रेटिंग विद द फैमिली, सिंस आप लोग घर आए हैं आफ्टर सेलिब्रेशंस, मैं शूट पे जाने वाली हूँ, कवच के साथ मैं अपनी ईद मनाने वाली हूँ। ईद मुबारक टू यू ऑल ऑफ यू बिहाइंड द कैमरा एंड जो कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, सभी को ईद मुबारक, ढेर सारी बधाइयाँ। पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, आप किस तरह मना रही हैं? पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में छुट्टी मनाई जा रही है, बट आई फील ब्लेस्ड कि आज के दिन भी आई एम स्टार्टिंग माई न्यू ईयर विथ वर्क। एज आई ऑलवेज से कि काम से अपनी शुरुआत करो किसी भी अच्छे त्यौहार की, किसी भी अच्छे दिन की, तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। सो आई बिलीव इन दैट। आफ्टर सेलिब्रेटिंग विद द फैमिली, सिंस आप लोग घर आए हैं आफ्टर सेलिब्रेशंस, मैं शूट पे जाने वाली हूँ, कवच के साथ मैं अपनी ईद मनाने वाली हूँ। मतलब ईद के त्यौहार जो हर कोई छुट्टियाँ मनाना चाहता है, आप काम करना क्यों पसंद करते हैं? आई थिंक क्योंकि छुट्टी मनाने का मन तभी होता है जब आप काम अच्छा करते हो, जब आपके पास इतना बैंक बैलेंस होता है कि आप छुट्टी मना सको। सो मेरे लिए दिमाग में यही चलता है कि मुझे काम करते रहना है, सो दैट जिस दिन मेरी छुट्टी हो जाए उस दिन मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करूँ। ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना, तो आपका क्या रहता है? ईद के दिन ऑब्वियसली सभी को बहुत ऐसी वो होती है कि ईद की शॉपिंग, भले ही आप शॉपिंग कितनी भी कर लें, बट ईद की एक पर्टिकुलर शॉपिंग जो होती है वो एक अलग ही अंदाज के साथ होती है, एक अलग ही थॉट के साथ होती है कि यार ईद के लिए कपड़े लेने हैं। ईद ईद ईद, यू नो, इट बिकम्स लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। सो ईद के लिए कुछ भी चीज़ आती है तो वो एक स्पेशल होती है। जैसे आपने मुझे इस तरह के कपड़ों में कई बार देखा होगा, ऐसे प्लेन कपड़ों में, बट देन ये ईद के स्पेशल कपड़े हैं तो ये मेरे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल है। वॉट मेक्स सारा खान हैप्पी? आई थिंक work hard, party harder, and again work more harder. That makes me the happiest. अच्छा, आपको कितने अब तक कितने messages आए हैं, मतलब ईद के? अभी जैसे मैं सुबह उठी तो मेरे 100 WhatsApp messages थे और 200 messages थे and missed calls थे. So मैंने कहा how sweet, so many wishes. तो अभी मैं जब गाड़ी में बैठूंगी और when I will start, you know, replying to everybody, क्योंकि all together इतना सब एक साथ में reply करना becomes a little difficult, but I feel blessed and thank you so much for so many wishes from everybody, my friends, my family, even I'm missing my mom, dad, because they are not here, dad had some work, तो वो नहीं आ पाए यहाँ पर, but I have my mama here, mommy here, kids, and of course my two younger sisters, so मेरी पूरी फैमिली अभी फिलहाल यहाँ है, so I'm gonna have a blast with them. ईद के मौके पर दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, तो देही सेवैया, दूसरी होती है बिरयानी। तो मामी नहीं, ईद पे बिरयानी इज़ नॉट रियली फेमस, वो बकरा ईद पे होती है बिरयानी फेमस, इस पे होती है शीर, मीठी चीज़ें लाइक हमारे यहाँ बनाया है मामी ने, दही दही बड़े बनाए हैं, देन शीर बनाई है जिससे रोज़ा खोलते हैं पूरे हफ्ते, पूरे महीने का, और या और जो भी आपको पसंद है, यू नीड यार, इट्स अ त्यौहार, तो जो जो मन में आए खाओ, सब कुछ स्पेशल होता है उस दिन। क्या स्पेशल मैसेज देंगे आप ईद के मौके पर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन आप अपने सारे गिले शिकवे मिटा के एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाहे आपका दुश्मन भी हो तो भी आप अपने सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। दिस इज़ व्हेन वी से कि आपको 3 बार हग करना होता है सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए। तो इस दिन मैं यही चाहूँगी कि जिसके दिल में जिसके लिए जितने गिले शिकवे हैं वो सब हटा दें और खुल के दिल से मिलें, और मैं भी यही करने वाली हूँ। वैसे मेरे इतने कोई गिले हैं नहीं किसी से, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। तो जितने भी आपके दुश्मन हैं उन सबको बुलाइए, गले मिलाइए, बोले लव यू बॉस, एंड दिस इज़ द स्पेशल मैसेज फॉर ऑल। सलमान भाई की फिल्म देखें या ना देखें, सुपर हिट है ही, पता ही है वो, everyone knows that it's going to be awesome, but since I'm going for shoot and then family time, so not at the moment, but yes, definitely I will watch for sure. Thank you so much, Sarah. Thank you.